हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, और ये क्वेश्चंस जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड एंड हैंस द लोएस्ट एनर्जी फॉर SO3, ठीक है ना। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है, लोएस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा, राइट। तो ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए हमको जो है वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है, राइट। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पर फॉर्मल चार्ज जो है वो ईच एटम का क्या है, 0 हो, राइट। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है न्यूट्रल अगर होता है तो वो स्ट्रक्चर जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है, लोएस्ट एनर्जी वाला होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, दैट इज़ द लोएस्ट एनर्जी एज वेल एज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अब बहुत सारे स्ट्रक्चर आप इसके बना सकते हो, जैसे सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में लगा दिया, एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर नेगेटिव, यहाँ पे जो है वो एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है ना, तो इस पर नेगेटिव, और इस पर एक लोन पेयर ऐसे सेट कर दूँ, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा, स्टेबल नहीं होता है। तो जहाँ भी चार्ज आता है वो स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल नहीं होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, जब चार्ज नहीं हो, किसी भी एटम पे चार्ज ना हो, वो स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ दिखाई देगा 4th नंबर में, राइट। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली में क्या है, ये लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज है, राइट, लोन पेयर है। तो ऐसा नहीं है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का, राइट। तो इसमें एक्चुअली में प्रॉपर जो है वो दिया नहीं है, राइट। जैसे अगर इसका पहला स्ट्रक्चर हम बनाएं तो सल्फर ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में है, और ये दो लोन पेयर ऐसी दिखाई दे रही हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ये लोन पेयर है जो ऐसी लाइन दिखाई दे रही है ना, फिर एक सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ये दो लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर क्या है, ये दो लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो सल्फर है, एक लोन पेयर है, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। तो अभी जो है वो इसका जो है वो अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते, 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो 5 ही हुए, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं और होगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो कुछ ना कुछ ये स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस है, तो बस आपको जो है वो ऐसे जो है वो बनाना है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज, तो हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो बताना है। तो देखो ज़रा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो कार्बन कार्बन की होगी, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, 0 हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 0 है तो बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 तो बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे कि सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाती है, यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 है, लेकिन डबल बॉन्ड के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो जाएगी, राइट, ओके। तो सबसे ज़्यादा तो इसी की होगी, फिर किसकी होगी, फिर जो है वो होगी हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन की, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो इसके कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी 3.5 होती है, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, राइट। फिर इसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो कम है,
सॉरी जीरो है, लेकिन डबल बॉन्ड के कारण बॉन्ड लेंथ इससे कम हो जाती है, ठीक है ना। और फिर सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ कार्बन हाइड्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो कम है, लेकिन चूंकि कार्बन स्मॉल साइज का है और हाइड्रोजन भी कैसा है, स्मॉल साइज का है। अब स्मॉल साइज के होने के कारण इनके ऑर्बिटल कैसे होंगे, छोटे छोटे। हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल छोटा होगा और कार्बन का पी ऑर्बिटल जो है वो छोटा होगा। जब ये ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड लेंथ कैसी आएगी, छोटी आएगी, राइट। तो ऐसे जो है वो हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो है वो हो जाता है, राइट। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो इस ऑर्डर में आएगी, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द आयंस फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो हैव द ज्योमेट्री दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, HCN नेगेटिव। तो देखो जरा, हमको बताना है कि ज्योमेट्री जो है वो एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, बाय द सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, ठीक है ना। तो NO2 नेगेटिव देख लेते हैं, तो NO2 नेगेटिव, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है और इस पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, उसमें लोन पेयर भी है, राइट। तो इसमें सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और बेंट शेप इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, बेंट शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसको कि हम वी शेप बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम एंगुलर शेप बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, फिर दूसरा जो है वो NO3 नेगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और एक ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ जो है वो बाउंडेड हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ओके, अभी देखो जरा, NH2 नेगेटिव, तो NH2 नेगेटिव का मतलब देखो जरा, नाइट्रोजन ने दो हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाए, ठीक है ना, और नेगेटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से आ गया है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और एक लोन पेयर और है इसमें, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर होगा वी शेप्ड और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है ना। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं, हमारा जो है वो NH4 पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन ये चार हाइड्रोजन के साथ टेट्राहेड्रल वे में अरेंज्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन किस किस का है, तो सेम हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों हैं, ठीक है ना, और यहाँ भी sp3 है, तो देखो जरा ये है, तो वो लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं सभी के। तो देखो जरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या है, sp2, इसका क्या है, sp3, तो ये सेम हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। ओके, NO2 नेगेटिव, sp2, और ये भी क्या है, sp2, तो ये है, फिर इसका NH4 sp3, और ये क्या है, sp2, तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, सेम हाइब्रिडाइजेशन पूछा उसने। और ये है आपका sp, HCN नेगेटिव, देखो जरा, तो s डबल बॉन्ड c डबल बॉन्ड n, ठीक है ना, और नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है ना। ओके, तो इस पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ये, और ये क्या है, दैट इज NH2 sp3, राइट। तो सेम हाइब्रिडाइजेशन यहीं पे नजर आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो सेकंड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉन्ड लेंथ, तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ जो है वो कहां पर होगी, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो किसके बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करते हैं, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना।
ओके तो अभी देख लेते हैं। अगर देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो याद करना है सीधा सीधा, अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो यहाँ पे हम बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं और यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, मतलब 3 बॉन्ड बनेंगे नाइट्रोजन के केस में, ठीक है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, मतलब ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बनते हैं। अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, फ्लोरीन में एक ही बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड बनेगा। ओके 12 इलेक्ट्रॉन होने पे जो है वो कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो सी टू, तो कार्बन जो है वो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना बॉन्ड बनेगा भाई, 2 बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ऊपर कर लो थोड़ा सा ये एन ट्रिपल बॉन्ड। ओके तो 12 में 2 और 10 में जो है वो एक बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, राइट, तो बी टू और ये सी टू। ओके अभी देखो ज़रा, अगर हमारे पास जो है वो 14 के बाद 15 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2.5 हो जाएगा, मतलब ढाई बॉन्ड बनेगा। अगर 17 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 दोनों के बीच का। अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और अगर जो है वो 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 बनेगा, राइट। तो अब देखो ज़रा बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 16 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 × 2 = 16, एक चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5, ठीक है। और 8 × 2 = 16, 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1.5, और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, दैट इज़ 18 में 1। तो बस बॉन्ड ऑर्डर पहचान लो भाई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम चाहिए तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा चाहिए, तो बॉन्ड लेंथ मिनिमम हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5, कंसीडरिंग द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, फाइंड आउट द मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स जो है इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन आपको sp चाहिए, ठीक है ना, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये लीनियर होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब आपका ये वाला जो है वो लीनियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp में होगा, ये कार्बन भी sp में होगा, तो लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो आपको नज़र आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो अगर हमें लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट चाहिए तो मेल्टिंग पॉइंट लो जो होते हैं किसके लिए होते हैं, जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना, तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए होता है मेल्टिंग पॉइंट लो। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है, कोवेलेंट कंपाउंड में जिसकी भी लंबी, तो मतलब कैटायन जो है वो स्मॉल होता है और एनायन मतलब बीबी जो है वो कैसी होती है, लंबी होती है, मतलब बिग साइज की होती है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे कैल्शियम मतलब कैटायन तो सभी में सेम है, तो बीबी लंबी किसकी भाई, आयोडीन की, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा कोवेलेंट होगा करेक्टर, तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसी का कहलाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर आर नोटेड बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिप्रेजेंट द करेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो बताना है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है इनमें से किस स्पीसीज का होगा आपको ये बताना है, तो पैरामैग्नेटिक के लिए आपको जो है वो क्या देखना होता है, पैरामैग्नेटिक अगर हैं तो आपको देखना होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों, ठीक है ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ओके तो आपका जो है वो ऑक्सीजन एंड O2 पॉजिटिव दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, तो देखो ज़रा O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 15, और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 16, तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये ऐसा आता है, ठीक है, ऐसा हम डायग्राम जो है वो बना लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा, अगर हम यहाँ पे इसकी नाम की बात करें तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ओके, अब देखो 15 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो हम करते हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और 16 वाला इधर जाएगा तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों में जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए दोनों कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर करेंगे, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, राइट। तो आपका आंसर जो है वो ऐसा हो जाएगा, राइट। अब देखो जैसा O2, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, O2 माइनस 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो पेयर्ड हो जाएंगे भाई 18 में, तो ठीक है ना, तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, तो O2 माइनस 2 18, ये कैसा है, दैट इज डायमैग्नेटिक, ठीक है ना। और O2 17 वाला कैसा होगा, 17 वाला पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। O2 माइनस 1 दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन, दैट इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो बस, तो आपके इस ये जो स्पीसीज है यहाँ पे जो है वो दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, ठीक है। इसमें ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, इसमें ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, इसमें ये डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है ना। ओके, आगे देख लेते हैं। ड्यूरिंग चेंज ऑफ ऑक्सीजन टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, भाई O2 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और O2 नेगेटिव माइनस वन का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, तो 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, तो देखो ज़रा 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड होगा, यहीं देख लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ पे पाई स्टार 2px में, राइट। तो 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, पाई स्टार 2px, तो पाई स्टार ऑर्बिटल मतलब एंटी बॉन्डिंग 2px में जो है वो ऐड होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइसो स्ट्रक्चरल, तो आइसो स्ट्रक्चरल पेयर जो है वो बताना है, जिनके स्ट्रक्चर कैसे हो, आइडेंटिकल हो, ठीक है। तो सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, सेम शेप हो और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, तो आपका देखो जरा ये आंसर हो जाएगा कैसे, बोरॉन 3 फ्लोरीन तो जो है वो ऐसे कनेक्टेड हैं, एक एफ नेगेटिव जो है, ठीक है ना, अपनी लोन पेयर के थ्रू जो है वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे भाई, 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है ना, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी NH4 पॉजिटिव देख लेते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है ना, H पॉजिटिव के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन जो है वो ऐसे लगे होते हैं, राइट। तो सिग्मा कितने बॉन्ड हो गए भाई, 4 सिग्मा, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चला जाएगा। अभी और देख लो जरा, ठीक है, और BCl3 और BaCl3 तो नहीं होगा, BaCl3 बनता ही नहीं है, ठीक है, BaCl2 जो है वो बनता है, ठीक है ना, बेरियम क्लोराइड बनता है। और NF3 BF3 तो ये नहीं होगा, क्योंकि बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, और NF3 जो है वो सॉरी ठीक है NF3 जो है वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है ना। तो और ये
प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा, राइट। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। NH3 कैसा हो जाएगा, NH3 का स्ट्रक्चर जो है वो NH3 जो है वो ऐसा होता है, लोन पेयर है और तीन सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर NH3 का भी है, राइट। तो और NO3 नेगेटिव का अगर हम देखें तो N ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन जो है वो इसमें नेगेटिव में जाएगी और ये लोन पेयर चली जाएगी, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो जाएगा और आपका जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर में आ जाएगा, राइट। तो केवल फर्स्ट वाला आंसर जो है वो करेक्ट है, दोनों के स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन सेम है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1.5 इज सोन बाय, तो 1.5 कहाँ पे होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो देखो जरा हम इसका ट्रिक बता देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं और बॉन्ड ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 14 है, ये सेंट्रल में है, तो बॉन्ड 3 बनता है मैक्सिमम, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, 14 के बाद 16, हमें इवन नंबर देखने हैं, तो 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है ना, 18 में एक बॉन्ड ऑर्डर होता है और फ्लोरीन फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, फिर यहाँ पे 12 में C2, ठीक है, और 2 बॉन्ड बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और 10 में C2 के बाद ये B2 बोरॉन, ठीक है ना, तो एक बॉन्ड बनता है। अभी देखो ज़रा बॉन्ड ऑर्डर बन होता है, अभी देखो ज़रा यहाँ पे अब अगर 17 इलेक्ट्रॉन 14 के बाद अगर 15 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर दोनों के बीच का 2.5, 17 इलेक्ट्रॉन है तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा, अगर 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, राइट। और ये 2.5 और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है, ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत है नहीं। तो बस आपको जो है वो यही हमको जो है वो बताना था, तो आपको क्या पूछा उसने, 1.5 कहाँ पर होगा, तो 1.5 देखो 17 इलेक्ट्रॉन हो और फिर 11 इलेक्ट्रॉन हो, तो 17 इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, O2 नेगेटिव 17 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 17, इसमें कितने 16, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, इसमें कितने 8 × 2 = 16, 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, ठीक है ना, निकालने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद कर लो। द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर, तो सेम बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, तो देखो ज़रा यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं 8 × 2 = 16, 17, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और यहाँ पे 5 × 2 = 10 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 1 है, ठीक है ना, तो आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा, 8 × 2 = 16 और एक चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन में 2.5 होता है, ठीक है ना, और 7 × 2 = 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 7 × 2 = 14 = 15, 15 इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और 6 × 2 = 12, 13 × 14, 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, राइट। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, राइट, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। द रिप्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवरेबल इफ एम हैपेंस टू बी, तो M जो है वो क्या होना चाहिए, तो अगर M आपका रुबिडियम होगा तो रुबिडियम फ्लोराइड जो है दैट इज द मोस्ट आयोनिक, ठीक है, आयोनिक करेक्टर अप टू डाउन जाने पे क्या होता है, बढ़ता है ग्रुप में, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ठीक है ना, तो आयोनिक करेक्टर कैसा होता है, अप टू डाउन जाने पे कैसा होता है, बढ़ता है, तो आयोनिक के लिए क्या है, कैटायन जो है वो कैटायन जो है वो बिग और एनायन जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है ना, तो हमारा आयोनिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता है, तो हमें कैटायन जो है वो बिग साइज, भाई एनायन तो फिक्स है
तो कैटाइन बिग साइज का ये है, तो ये आयनिक ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चूंकि ये तो दिया नहीं है तो फिर ये आयनिक होगा रुबिडियम फ्लोराइड, तो इससे क्या होगा कि एफ नेगेटिव, ठीक है ना, एफ नेगेटिव जो है ये क्या हो जाएगा, फ्री रहेगा, तो फ्री रहेगा तो ये इस कार्बन पे क्या है अटैक करेगा, तो ये आयोडीन जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो बस ये रिएक्शन रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाएगी, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। फोर डायटोमिक स्पीसीज आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इज इंक्रीजिंग इन दैम। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर का बताना है, तो आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। अगर 16 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर 2, 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, 12 इलेक्ट्रॉन में कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर 2, और 10 इलेक्ट्रॉन में होता है कितना 1। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो जाएं 14 से 15 हो जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 बीच का हो जाता है, 17 हो जाएं तो 1.5, 13 हो जाएं तो 2.5, और अगर 11 हो जाएं तो 1.5। तो बस आपको देखना है इलेक्ट्रॉन से पता लगा लो, बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा, तो वो 6, 12, 13, 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा इसका, इसमें इसका आंसर आपका 1 ही है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 7, 2, 14, 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8, 2, 16, 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे 0.5 होता है एक्चुअली में इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें He2+ कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s में 2 और सिग्मा स्टार 1s में कितना हो जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर आप ऐसे निकालोगे तो क्या होता है Nb-Na/2, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 है, बाय 2, तो 1/2 दैट इज़ द 0.5, तो इसका 0.5 हो जाएगा। तो बस 3, 2.5, 1.5 एंड 0.5, तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक अगर है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नहीं होता भाई, ठीक है ना। और 8, 2, 16, 17 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 और 6, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 2, 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है, 17 इलेक्ट्रॉन, ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक होता है। तो सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, ठीक है, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, कितने हो गए 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर सिग्मा 2pz 2, पाई स्टार 2px में पाई स्टार 2py बना लेते हैं, पहले तो बनेगा पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz, ओके। तो अभी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना, फिर 15, 16, 17, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएगा, इसलिए वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कहाँ पर होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, देखो CH3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डायट कंप्लीट है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट नहीं है, ठीक है ना। ओके, ये क्यों नहीं है, क्योंकि सिलिकन है, इसने भी 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, और ये सिलिकन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए, और ये आपस में बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड मतलब सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका डायट कंप्लीट है हाइड्रोजन का, ठीक है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये भी नहीं है। BH3 देखो, बोरॉन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 3,
इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ओके। तो ये तो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। हाइड्रोजन में अभी देखो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में अभी देखो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना, लेकिन ये B2H6 ये आपस में नहीं जुड़ सकता। तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो तीन सेंटर को जोड़ते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर को जोड़ते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज है। राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन तीन एटम को जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको हम बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, BHB, BH और ये B, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बनाना बॉन्ड कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर तीन एटम को जो है वो जोड़ रहे होते हैं, ठीक है ना। ओके, PH3 यहाँ भी नहीं है क्योंकि फॉस्फोरस एक लोन पेयर है और तीन हाइड्रोजन से बाउंडेड है, तो हाइड्रोजन का डायट कंप्लीट है, फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज केवल यही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, लोन पेयर अगर हो तो पोलर मॉलिक्यूल है सेंट्रल एटम पे, ठीक है ना। तो बोरॉन देखो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये कैसा है, नॉन पोलर। SF4 सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर जो है वो हमको नजर आ रही है, तो सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर हमको नजर आ रही है, इसलिए कैसा हो जाएगा, दैट इज पोलर, ठीक है, पोलर कोवेलेंट। ठीक है, और SiF4 इसमें सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, दैट इज नॉन पोलर। और XeF4 यहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर तो है, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर पे जो है वो इफेक्ट नहीं डाल रही है, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। राइट, तो ये क्या हो रहा है, नॉन पोलर। राइट, तो ये स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रही है, इसके कारण ये कैसा है, नॉन पोलर है, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने चार स्ट्रक्चर जो है वो बना दिए हैं और आपको जो है वो देखना है, तो इसमें आपका ये पोलैरिटी आपको नजर आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम हाइब्रिडाइजेशन एज इट्स कंबसन प्रोडक्ट CO2, ठीक है ना। तो CO2 में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होता है, CO2 में दैट इज सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा बॉन्ड हैं और लोन पेयर जीरो है, तो दो ऑर्बिटल, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होगा, इथाइन में होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इस कार्बन में देखो सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा है और जीरो लोन पेयर, तो टू मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, तो भाई दोनों जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में है, तो ये भी लीनियर होगा और ये भी लीनियर होगा। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज प्लेनर ट्राइंगुलर शेप, प्लेनर ट्राइंगुलर शेप किसका है, तो देखो जरा प्लेनर ट्राइंगुलर शेप जो है वो किसका है, तो आपको देखना है। तो नाइट्रेट देख लेते हैं, तो नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक ऑक्सीजन लोन पेयर के थ्रू जो है वो बॉन्ड बनाएगी। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है क्योंकि सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तीन सिग्मा है, लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर गई तो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो आपका ट्राइगोनल प्लेनर पूछा है, तो यही है। NO2 नेगेटिव की बात करते हैं, तो N डबल बॉन्ड O और ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया, तो ये आपका क्या होगा, सिग्मा सिग्मा और एक लोन पेयर, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो है लेकिन ये एंगुलर शेप में है क्योंकि लोन पेयर ने, लोन पेयर जो है वो क्या करेगी, बॉन्ड एंगल को डिस्टर्ब कर देगी। राइट, तो एंगुलर वी शेप्ड हो जाएगा ये। और CO2 देखो C, ये ठीक है ना, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और N3 नेगेटिव देखो, तो नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड में एक नाइट्रोजन, ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये लोन पेयर है, और देख लेते हैं, और थोड़ा सा चेंज करना स्ट्रक्चर को,
ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा N, ये ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर ले लो, यहाँ पे लोन पेयर ले लो और N, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आपका आ जाएगा तो इसमें दो लोन पेयर हो जाएगी। तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो इसके साथ जो है वो बनेगा, राइट। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसका बन जाएगा। तो सिग्मा और सिग्मा, दो सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये लीनियर शेप में आ जाएगा, राइट। तो अब आपको देखना है कि ट्राइगोनल प्लेनर, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट। तो मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट कहाँ पर होगा आपको ये बताना है। तो देखो जरा, मीथेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और चूंकि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है तो नेट डाइपोल मूवमेंट जो है वो क्या होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, ठीक है ना। तो पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, जीरो, ओके। दूसरा अमोनिया देखते हैं, यहाँ पे एक लोन पेयर है तो लोन पेयर के कारण जो है यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जो है वो होगा, तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे तो होगा, लोन पेयर है तो इसलिए होगा, ओके। NF3 देख लेते हैं, नाइट्रोजन एक लोन पेयर है और फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, तो यहाँ पे भी डाइपोल मूवमेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा। CO2 की देख लेते हैं, तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिग्मा सिग्मा, sp हाइब्रिडाइजेशन है, चूंकि लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे तो डाइपोल मूवमेंट जो है यहाँ पे जीरो होगा, ओके। तो दो जगह तो जीरो है, तो यहाँ पे तो डाइपोल मूवमेंट सबसे कम है। अब इनमें से ज़्यादा किस में है, तो देखो ज़रा, अगर हम देखें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो डाइपोलर ऐसे खिंचेगा, सारे डाइपोलर जो है वो ऐसे जाएंगे नाइट्रोजन की ओर और ये इसका डाइपोलर लोन पेयर की ओर जाएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं डाइपोल को। और इसमें क्या हो रहा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, नाइट्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव, तो डाइपोलर ऐसे जाएंगे, ठीक है ना, डाइपोलर ऐसे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये डाइपोलर क्या है, ऐसे गए और ये ऐसा चला गया, तो ये अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा। तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो NH3 का डाइपोल मूवमेंट जो है वो NF3 से ज़्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा NH3, ठीक है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो है वो कहाँ पर होगा, तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज़्यादा होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन, ये दो ऑक्सीजन और ये पॉजिटिव चार्ज, तो NO2 पॉजिटिव, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा, आपका पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, NO3 नेगेटिव, तो N डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर के साथ और एक ऑक्सीजन और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिग्मा 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 sp2 और बॉन्ड एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी NO2 देखते हैं, N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और ये O और इस पे तो ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा सिग्मा, ठीक है ना, और NO2 देख लेते हैं, इस पे नेगेटिव, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये O, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो इसमें एक लोन पेयर सिग्मा सिग्मा एक लोन पेयर है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन ये आपका कैसा हो जाएगा, वी शेप्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल तो कम हो जाएगा, राइट। तो सबसे ज़्यादा 180 आपको
यहीं पे नजर आ रहा है Na2 पॉजिटिव में, राइट। तो ये हमारे 1 to 20 क्वेश्चन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।